हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीजों का अंकुरण। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था बीज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, बीज के पार्ट्स बताए हुए थे, भाग कौन कौन से होते हैं, और ये पार्ट टू लेकर आए हैं बीजों से ही संबंधित। इस वीडियो में बीजों का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं बीजों का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, सबसे पहले जो बीज हैं, जब बीजों का निर्माण हो जाता है तो बीज कुछ समय के लिए अपनी सुषुप्ता अवस्था माने प्रसुप्ता अवस्था सीड डोरमेंसी स्टेज में रहते हैं। तो यहाँ पर सुषुप्ता अवस्था को समझेंगे क्या कहलाती है, या हम इसका एक दूसरा नाम बताएंगे आपको, प्रसुप्ता अवस्था, या हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में इसको बोला जाता है सीड डोरमेंसी। तो ये शब्द के बारे में समझ लेते हैं, सीड डोरमेंसी क्या कहलाती है। तो जब बीजों का निर्माण होता है और जब तक वह बीज अंकुरण ना करे, बीजों के निर्माण के बाद उसके अंकुरण तक के समय को क्या कहते हैं, सुषुप्ता अवस्था या प्रसुप्ता अवस्था या सीड डोरमेंसी कहते हैं। इस अवस्था में जो बीज होते हैं अपनी जो भी उनकी जैविक क्रियाएँ होती हैं वो अत्यधिक मंद पड़ जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो कोमा में चला जाता है लेकिन जीवित रहता है। कोमा में व्यक्ति की जो जैविक क्रियाएं हैं वो अत्यधिक मंद गति से होती हैं, धीमी गति से होती हैं। ठीक इसी प्रकार जब बीज सुषुप्ता अवस्था में होता है तो उसमें भी जो श्वसन है वो धीमी गति से होता है, पोषण है, भोजन ग्रहण करना वो भी धीमी गति से। तो इसको सुषुप्ता अवस्था या प्रसुप्ता अवस्था कहते हैं। तो समझ लेते हैं बीजों का जो अंकुरण है उसकी डेफिनेशन, परिभाषा। बीज अपनी सुषुप्ता अवस्था को त्याग कर, बीज अपनी सुषुप्ता अवस्था को त्याग कर नवोद्भव पौधे मतलब नए पौधे का निर्माण करते हैं, इसे ही हम बीजों का अंकुरण कहते हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं, तो सबसे पहले जल या नमी। आवश्यक परिस्थितियाँ बता रहे हैं बीजों के अंकुरण के लिए, जल या नमी, और दूसरे इनके लिए आवश्यक होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या वायु, और तीसरी जो मुख्य आवश्यकता है वो इनके लिए ज़रूरत होती है तापमान की, टेम्परेचर की। तो ये बीजों के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। चौथा इसमें आवश्यक होता है भोज्य पदार्थ, ठीक है। तो इन चीज़ों की आवश्यकता होती है बीजों के अंकुरण के लिए, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो जल या नमी, ऑक्सीजन या वायु, तापमान, भोज्य पदार्थ। तो जैसे देखेंगे आप लोग के बीज अंकुरण करना है तो सबसे पहले जो बीज होता है, सीड होता है, सीड में आप देखेंगे कि एक छिद्र होता है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। बीजों में एक छिद्र होता है, इसी के द्वारा वो जल अंदर प्रवेश करता है, और जैसे ही जल अंदर प्रवेश करेगा तो बीज का जो भोज्य पदार्थ है वो घुलनशील हो जाएगा, विलयन अवस्था में आ जाएगा, जो एंजाइम है वो सक्रिय हो जाएंगे, और जो इनका बीजावरण है वो भी नर्म पड़ जाता है, जिससे बीजों को अंकुरण में सहायता मिलती है। ऑक्सीजन या वायु मतलब बीजों के अंकुरण के लिए बीजों को एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह उन्हें ऑक्सीजन या वायु से जब वो श्वसन करते हैं तो उस समय उन्हें ऊर्जा मिल जाती है, उसका उपयोग बीजों के अंकुरण में करते हैं। तापमान या टेम्परेचर, सामान्यतः जो बीज होते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर अंकुरण करते हैं। ठंडे प्रदेशों में जो बीज होते हैं वो कम तापमान पर, और गर्म प्रदेशों में अधिक तापमान पर अंकुरण करते हैं। लेकिन सामान्यतः जो अंकुरण है, अंकुरण के लिए आवश्यक जो तापमान है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इतने तापमान पर अधिकांश जो बीज होते हैं ये अनुकूलतम तापमान कहलाता है, इस तापमान पर बीज ठीक प्रकार से अंकुरण करते हैं। भोज्य पदार्थ तो
बीजों में या तो भ्रूणकोश के रूप में या बीज पत्रों में भोजन संचित रहता है उसका उपयोग करते हैं। तो अंकुरण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? जल या नमी, ऑक्सीजन या वायु, तापमान और भोज्य पदार्थ की। प्रसुप्तावस्था आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं जो अंकुरण है इनके प्रकार देख लेते हैं। बीजों का जो अंकुरण है अंकुरण के प्रकार समझ लेते हैं कितने प्रकार का होता है अंकुरण। तो अंकुरण के प्रकार इसको अपन बोलेंगे टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन मतलब अंकुरण के प्रकार। जो बीज होते हैं वो दो प्रकार से अंकुरण करते हैं। एक जो होता है वो होता है भूमियों परक अंकुरण या इसको हम ऊपरी भूमिक अंकुरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तो इसको कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन इसको बोला जाता है। दूसरा जो है वो होता है अधोभूमिक अंकुरण को बोला जाता है हाइपोजियल जर्मिनेशन का मतलब होता है अधोभूमिक अंकुरण। तो अंकुरण कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से अंकुरण दो प्रकार का होता है, ऊपरी भूमिक अंकुरण हाइपोजियल जर्मिनेशन जिसको कहते हैं, अधोभूमिक अंकुरण हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। तो अगर हमें जर्मिनेशन को समझना है तो इससे पहले आप देखें एक छोटे से जो नवोद्भवित पौधा है उसकी संरचना समझ लेते हैं। सबसे पहले वो किस टाइप से होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं एक हमने नवोद्भवित पौधा बनाया हुआ है। नवोद्भवित पौधे का मतलब होता है एक नया पौधा जिसको अपन कहते हैं क्या, सीडलिंग या नवोद्भवित पौधा इसको बोला जाता है। नवोद्भवित पौधा, देखो बच्चों आप लोगों को YouTube पर अनेक ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो बीज की संरचना या अन्य दूसरे वीडियो आपको उपलब्ध कराएं, लेकिन आप लोगों को उन वीडियो में से ऐसा वीडियो का चयन करना है जो आपके मतलब का हो, जो आपको ठीक प्रकार से समझा सके और जो सटीक और सही जानकारी दे, ठीक है, जो टीचर का ज्ञान बोले। किताबें या वीडियो कट करके जो वीडियो बनाए जाएंगे वो आपको उतना ज्ञान प्रदान नहीं कर पाएंगे, उतना नॉलेज आपको नहीं दे पाएंगे ठीक प्रकार से। तो आप थोड़ा सा समझें और उसी वीडियो का चयन करें जो आपका हितकारी हो। यहाँ पर सीडलिंग या नवोद्भवित पौधों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो अगर हम इसकी संरचना देखें इसमें कौन कौन से भाग होते हैं तो इसको समझेंगे। हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बता रहे हैं। अगर कोई हिंदी समझ में नहीं आ रही तो आप इंग्लिश समझें, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो आप हिंदी समझें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हम आपको वीडियो उपलब्ध कराते हैं। ये जो लगे हुए हैं इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको अपन बीज पत्र बोलते हैं या इनको हम कॉटिलीडॉन बोलते हैं। बीज पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉटिलीडॉन। और बीज पत्र से ऊपर का जो भाग है ये कहलाता है बीज पत्राधार। इसको क्या कहते हैं, बीज पत्राधार, या इसको कहेंगे एपिकोटाइल।
एपिकोडाइल बोलेंगे, और सबसे ऊपर का जो भाग है ये कहलाता है प्रांकोर। प्रांकोर या इसको हम पिलोमूल कहते हैं, और नीचे का भाग यहाँ मूलांकोर होता है। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था, इसको इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं, और बीजपत्र और मूलांकोर के बीच के भाग को क्या कहते हैं हम, बीजपत्राधार कहते हैं। बीजपत्राधार या इसको हाइपोकोटाइल कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो एक ही नवोद्भिद पौधे की संरचना है, तो यहाँ मूलांकोर और बीजपत्र के बीच के भाग को बीजपत्राधार कहा जाता है, हाइपोकोटाइल, और बीजपत्र और प्रांकोर के बीच के भाग को बीजपत्राधार कहते हैं। अब अगर हम देखें कि भूम्योपरक जो अंकुरण है, जिसे हम ऊपरी भूमिक अंकुरण कहते हैं, तो अगर बीजपत्राधार में तेजी के साथ वृद्धि हो, यहाँ देखें आप, अगर बीजपत्राधार में तेजी के साथ वृद्धि हो तो बीजपत्र कहाँ, ये लंबाई में बढ़ेगा, और ये जो बीजपत्र हैं भूमि से बाहर निकल आएंगे। अगर बीजपत्र सहित प्रांकोर भूमि से बाहर निकल आएगा तो ऐसे अंकुरण को भूम्योपरक अंकुरण कहते हैं। फिर से समझ लें, यदि बीजपत्राधार में तेजी के साथ वृद्धि हो तो बीजपत्र सहित प्रांकोर भूमि से ऊपर निकल आता है, इसे हम ऊपरी भूमिक या भूम्योपरक अंकुरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे किन में मिलेगा, तो जो भूम्योपरक अंकुरण है वो आपको इमली में मिलेगा, कपास में मिलेगा, ठीक है, ऊपरी भूमि कद्दू में मिलेगा, ठीक है, नीम में मिलेगा। ये ऊपरी भूमि का अंकुरण है। ऊपरी भूमि जो अंकुरण होता है मुख्य रूप से ये द्विबीजपत्री पौधों में होता है। अब देख लेते हैं अधोभूमि का अंकुरण, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि इसमें बीजपत्राधार में वृद्धि नहीं होगी, इसमें किसमें होगी, बीज पत्राधार इसको बोलेंगे, और इसको ऊपर वाले को बीज पत्रोपरक, इसमें थोड़ा सुधार कर लें, बीज पत्रोपरक बोलेंगे ऊपर वाले को, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है एपिकोटाइल बीज पत्रोपरक, और इसको बीज पत्राधार माने बीज पत्र का आधार, और वो बीज पत्रोपरक माने बीज पत्र से ऊपर। अब देखेंगे बीज पत्रोपरक माने एपिकोटाइल में तेजी से वृद्धि होगी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो बीज पत्र हैं ये जमीन में भूमि में नीचे ही रह जाएंगे। यदि बीज पत्रोपरक में एपिकोटाइल में तेजी के साथ वृद्धि हुई तो प्रांकुर तो बाहर जाएगा भूमि से ऊपर, लेकिन जो बीज पत्र हैं ये भूमि के नीचे ही रह जाएंगे। चूँकि भूमि के नीचे रह जाएंगे इसलिए इसको क्या कहते हैं, अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो किसमें बीजपत्र भूमि से नीचे रह जाते हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें चना, ठीक है, मक्का, ये प्रमुख रूप से अधोभूमिक अंकुरण के उदाहरण हैं। इनमें बीजपत्र भूमि से बाहर नहीं निकलते हैं, भूमि के नीचे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये था अंकुरण के प्रकार। अब हम आपको एक विशेष प्रकार का अंकुरण बताएंगे, एक विशेष प्रकार का अंकुरण जिसको हम जरायुज अंकुरण कहते हैं। जरायुज अंकुरण जिसे कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको हम बीबी पेरस जर्मिनेशन कहेंगे। बीबी पेरस जर्मिनेशन इसको बोला जाएगा, या इसको कहेंगे हम जरायुज अंकुरण। इस प्रकार का जो अंकुरण है जरायुज अंकुरण, या हम इसको पित्रस्थ अंकुरण भी कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम है पित्रस्थ अंकुरण। क्या बोलते हैं इसको, पित्रस्थ अंकुरण या बीबी पेरस अंकुरण जर्मिनेशन या पित्रस्थ अंकुरण। तो इस प्रकार का जो अंकुरण है, ये जो दलदली भूमि में उगने वाले, जैसे सुंदरबन के डेल्टा जहाँ पर पूरे में दलदल दलदल हो, कीचड़ युक्त भूमि हो, लवण युक्त भूमि हो, ठीक है, वहाँ के जो पौधे होते हैं उनमें पौधों की शाखाओं पर जो फल लगे हैं,
फल के अंदर जो बीज हैं वो बीज पहले से ही फल में ही लगे लगे शाखा पर लगे लगे अंकुरण स्टार्ट कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, जरायुज अंकुरण या पितरस अंकुरण, विविपेरस जर्मिनेशन। और ये सुंदरबन के डेल्टा में जरायुज जो अंकुरण है ये किस में होता है, तो आपको बता दें ये जो अंकुरण है ये राइजोफोरा में होता है। जो सुंदरबन के डेल्टा में सबसे अधिक जो पौधे लगे रहते हैं उन पौधों को राइजोफोरा कहते हैं। चूँकि अगर फल के अंदर बीज अंकुरण नहीं करेंगे और ज़मीन पर गिर जाएंगे, वहाँ कीचड़ है, दलदल है, तो वहाँ पर उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ जो है, उचित जल, नमी है, ताप है और ऑक्सीजन है, ये प्राप्त नहीं हो पाएगी, जिससे वो अंकुरण नहीं करेंगे। तो ऐसे अनुकूलता इसमें ये होती है कि जो हेलोफाइट्स पौधे हैं, जो लवणोद्भिद पौधे हैं, जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं, वो फल शाखा पर लगे लगे उन फल के अंदर ही बीज अंकुरण कर लेंगे, और जब थोड़ा बहुत अंकुरण हो जाएगा तब जा कर के वो नीचे गिरते हैं और बकाया जो जर्मिनेशन है वो कीचड़ में करते हैं। तो राइजोफोरा जो कि सुंदरी हैं, राइजोफोरा हैं जो मैग्रूव वनस्पतियाँ कहलाती हैं, मैग्रूव वनस्पतियों में ये प्रमुख रूप से सुंदरबन के डेल्टा में ये पाए जाते हैं ऐसे पौधे, और इनमें जरायुज अंकुरण होता है, एक विशेष प्रकार का अंकुरण है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अंकुरण के टाइप्स बताए हमने, बीजों का अंकुरण की आपको डेफिनेशन बताई, अंकुरण के दो प्रकार बताए हैं, अंकुरण के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भी हमने आपको बताया, विशेष प्रकार का अंकुरण भी हमने आपको समझाया। आप वीडियो को रोक रोक कर इसे ज़रूर नोट कर लें, ठीक है, और इससे संबंधित बीज वाले चैप्टर से संबंधित जो और अन्य टॉपिक बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।